हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, आज मैं बात करने वाला हूँ फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि हमें पहले फर्स्ट टर्म पढ़ना पड़ेगा फिर सेकंड, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया। पता है आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा सबने कि पहला जो पेपर होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। ठीक है, 90 मार्क्स का जो होगा। ठीक है, तो उसके लिए चैप्टर को अच्छे से पढ़े ताकि चीजें क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, और उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें। मतलब उसके लिए बच्चे को ना डीपली जाना जरूरी होगा, मतलब ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन में ज्यादा ज्ञान वाली चीजें नहीं पूछी जाती, क्योंकि कुछ हम लिख देते हैं नॉर्मली लैंग्वेज बना करके। पर यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर चैप्टर को रीड करना कर पड़ेगा लाइन टू लाइन, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी 1 मार्क्स का कहीं से भी बन सकता है, क्योंकि आप जानते हैं अच्छे से। तो आज मैं बात करने वाला हूँ फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है क्या, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यूनिट फर्स्ट है 11th क्लास की। ठीक है, किस कौन सी क्लास की, 11th क्लास की। तो सबसे पहले इस चीज के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम जानने की कोशिश करते हैं क्या सर, व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री, सर केमिस्ट्री होती क्या है। अब हर बच्चा जानता है कि केमिस्ट्री क्या है। सर केमिस्ट्री जो होती है वो ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस की ब्रांच है। ठीक है, अपनी लैंग्वेज समझाता हूं क्या है। बस सर साइंस की ब्रांच है जिसमें क्या करते हैं, बस सर स्टडी करते हैं किसकी, बल किसी मैटर या कंपोजिशन की। ठीक है, क्या करते हैं, बस सर ब्रांच ऑफ साइंस है केमिस्ट्री। क्या है, बस सर ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें क्या की जाती है, स्टडी की जाती है किसी मैटर या कंपोजिशन की। तो मैटर और कंपोजिशन की किसकी स्टडी करेंगे, बस उस मैटर कंपोजिशन की, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में क्या करते हैं, हम इससे स्टडी करते हैं, जिसमें उसका शेप, साइज, वॉल्यूम, मास, वॉल्यूम, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, जो भी इसकी प्रॉपर्टियां होती हैं, उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो मतलब केमिस्ट्री क्या होती है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स द स्टडी ऑफ मैटर या कंपोजिशन। द मतलब कहने का मतलब ये बोल सकते हैं कि साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर हम क्या करेंगे, किसी भी मैटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में क्या करते हैं सर, स्टडी करें, तो वो उसकी क्या कहलाती है सर, केमिस्ट्री कहलाती है। तो मतलब द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड कंपोजिशन, इट्स कॉल्ड केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री जब अपनी डेली लाइफ में जब आई ना, केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अलग अलग तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है केमिस्ट्री, कहीं अपने लिए फायदेमंद है तो कहीं इसका नुकसान भी है, मतलब इसके एडवांटेज भी हैं तो डिसएडवांटेज भी कहीं ना कहीं निकल के आए केमिस्ट्री जब हमारी डेली लाइफ से जुड़ी तब। ठीक है, तो पहले मैं कुछ इसके एडवांटेज के बारे में थोड़ी सी बातें करता हूँ, फिर मैं इसके अंदर इसकी वजह से जो डिसएडवांटेज क्रिएट होते हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं क्या, तो केमिस्ट्री क्या होती है तो समझ में आ गई, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स द स्टडी ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड कंपोजिशन। जहां पर तो मैटर कंपोजिशन, तो इसमें फिजिकल केमिकल मतलब हो गया उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज, इन सब के बारे में स्टडी हो गई। ठीक है, कंपोजिशन के बारे में कंप्लीट डिटेल। अब एडवांटेज क्या हुआ हमारी डेली लाइफ में, तो वो सर समझते हैं कुछ एडवांटेज जो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। वो सर इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में क्या इंपोर्टेंस है, बोल सर इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में केमिस्ट्री का क्या इंपोर्टेंट रोल है। तो मैं सिर्फ पॉइंट के थ्रू इंडिकेट करने की कोशिश करूंगा। पहला है सप्लाई ऑफ फूड, बोल आजकल जो फूड क्वालिटी आने लग गया अलग अलग तरीके से, ठीक है, फूड की बिजाई से लेकर के ना क्रॉपिंग प्रॉपर्टी से लेकर के उसकी कटाई तक अगर हम बात करें, कहने का मतलब, तो उसमें ना अलग अलग चीजें वेरी करती हैं। जैसे अगर हम फसल अगर तैयार करते हैं तो अच्छी ग्रोथ के लिए उसमें अलग अलग से पेस्टिसाइड डालते हैं हम, ठीक ठीक है, कहने का मतलब ये हम बोल सकते हैं। क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं ताकि लंबे टाइम तक उसको प्रिजर्व कर सके, कहने का मतलब। तो वो सब उसमें जो यूज होने वाले जो केमिकल सब्सटेंस हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो, चाहे वो प्रिजर्वेटिव हो, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स हो, तो ये सब जो होते हैं, ये इनका काम क्या है, इनका काम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो फूड होता है उस फूड की क्वालिटी को क्या करना, इंप्रूवमेंट करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। तो वो केमिकल की वजह से लार्ज प्रोडक्शन होगा, लार्ज प्रोडक्शन होगा तो मार्केट में ज्यादा जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जुड़ा हुआ है केमिस्ट्री
फूड से, मतलब फर्टिलाइजर भी अगर खेत में डाला जाता है, यूरिया अगर डीएपी अगर वो डालते हैं तो अच्छी पैदावार होती है, अच्छी ग्रोथ करता है प्लांट, तो वो केमिकल तो है भाई, तो केमिस्ट्री इनडायरेक्टली जुड़ तो गई है अपनी डेली लाइफ से। ठीक है, दूसरा इसमें क्या पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें तो वो सेकेंड पॉइंट है कंट्रीब्यूशन ऑफ बेटर हेल्थ, कंट्रीब्यूशन ऑफ बेटर हेल्थ। आज अच्छी लाइफ की जो अपने को मिलती है ना कहीं अच्छी लाइफ के अंदर इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है, बस केमिस्ट्री कर रहा है। बस कैसे, बस हमें अगर कोई भी बीमारी अगर हो जाती है, किसी भी टाइप की बीमारी हो, चाहे वो एनाल्जेसिक वाली हो, चाहे हाइपरटेंशन वाली हो, चाहे वो एलर्जी टाइप की हो, चाहे वो, कहने का मतलब अगर मुझे कहीं चोट लग गई तो मुझे एंटीबायोटिक हो या एंटीसेप्टिक हो, कुछ भी जो, कहने का मतलब तो जब भी हमें कहने का मतलब सर दर्द होता है तो पेन किलर हम ले लेते हैं, कहने का मतलब ताकि सर दर्द जो है, हेडेक जो है वो रिड्यूस हो जाए। तो वो हाँ, यूज होने वाला जो सब्सटेंस होता है वो नेचुरल नहीं है, वो सारा का सारा क्या है, सिंथेटिक है, जिसमें कहीं ना कहीं केमिकल यूज हुआ है। जैसे आज अगर कोवैक्सीन भी लग रही है तो उसमें, कहने का मतलब उसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट कम नहीं है, वो सारा सारा सिंथेटिक है, सारा सारा केमिकल ही सब्सटेंस है, जिसकी वजह से आज हम सेफ हैं वैक्सीन लगवाने के बाद में, कहने का मतलब। तो कहीं ना, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो वहां बेटर हेल्थ के लिए भी केमिस्ट्री क्या कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरी बात कहता है कि सर यहां पर एनवायरमेंट सेविंग में भी, एनवायरमेंट सेविंग के अंदर भी क्या होता है सर, यहाँ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, वो सर केमिस्ट्री जो होता है, अच्छा, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ ग्रोथ मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि सर यहां पर इंक्रीज इंक्रीज द कंफर्ट एंड प्लेजर्स, ठीक है, कंफर्ट प्लेजर्स एंड लग्जरीज लाइफ, ठीक है, लग्जरियस लाइफ। तो आज का जो आज केमिस्ट्री की वजह से हमारा लाइफ स्टाइल जो है थोड़ा चेंज हो गया है। चाहे हम बात करें उसके अंदर कपड़े की क्वालिटी को लेकर के, हम शर्ट जो है वो 200 रुपये से लेकर के, चाहे आप 20,000 की ले लो, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 20,000 वाली और 200 वाली सेम होती है, कहने का मतलब कहीं ना कहीं उसके कंफर्ट को लेकर के उसमें वेरिएशन है, समझे मेरी बात को। ऐसे अगर हम बात करें बिल्डिंग मटेरियल की, तो पहले झुग्गी झोपड़ी में अगर काम होता था, मिट्टी के मकान बनाए जाते थे, चूने पत्थर के होते थे, आज सीमेंट की वजह से, सीमेंट क्या है, सीमेंट टोटल केमिकल सब्सटेंस है, जिसमें सिर्फ जो पाउडर यूज होता है पत्थर चूना का, जो कहने का मतलब, उसके अलावा उसमें और भी लार्ज अमाउंट को, 11वीं की प्रिपरेशन जब हम पढ़ेंगे एक चैप्टर के अंदर सीमेंट की प्रिपरेशन, तो हम बात करेंगे उसके अंदर, ठीक है, तो वहां भी केमिकल यूज है। तो अच्छी आज बुर्ज खलीफा जो खड़ा हो गया वो सीमेंट की बदौलत खड़ा हो गया, मिट्टी के ढांचे से खड़ा नहीं होता वो, कहने का मतलब, समझिए। इसके अलावा सप्लाई ऑफ मेटल, मेटल का बड़े पैमाने पर घर मकान बनाने में, फुल पुल जो फ्लाई ओवर होते हैं उनको बनाने में, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने में मेटल का लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन हो रहा है, तो आज जो मेटल मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं केमिस्ट्री अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इसके अलावा हम बात करें आर्टिकल ऑफ डोमेस्टिक पर्पज, जिसमें हम प्लास्टिक, रबड़, इसका भी कहीं ना कहीं, रबड़ है तो गाड़ी के टायर, टायर हैं तो कौन सी बात है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन जाता है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट का जो जरिया है, आजकल मूवियाँ जो बनती हैं उसके अंदर कैमरे से लेकर के हर चीज केमिस्ट्री है, क्योंकि प्लास्टिक का कैमरा भी अगर प्लास्टिक का बना हुआ तो कॉमन सी बात है, प्लास्टिक भी क्या है, एक टाइप का केमिकल सब्सटेंस होता है, जानते हो आप, पॉलीमर होते हैं, समझे मेरी बात को। तो केमिस्ट्री डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से क्या है, जुड़ी हुई है हमारी डेली लाइफ से। इसी तरह ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन स्किल के अंदर भी केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बनने वाली हर एक चीज एपरेटस जो होता है उसमें कहीं ना कहीं केमिकल सब्सटेंस यूज होते हैं। इसके अलावा जैसे डीजल है, पेट्रोल है, ठीक है, तो फ्यूल जो होता है वो केमिकल सब्सटेंस है, जिस वजह से हमारा जो है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इजी हो गया, ठीक है, ताकि गाड़ी कम्बस्टाइल होकर के इजीली जा सकती, आ सकते किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ में, ठीक है। फिर इसके अलावा नेक्स्ट अपने पास में है न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एटॉमिक, इसका बहुत फायदा हुआ है पर नुकसान भी बहुत हो सकता है, अगर कभी ऐसा अगर होता होगा, खुदा न खास्ता अगर लीकेज हो जाते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट,
तो तब तबाही है, ठीक है। अगर जब तक सेफ है, जब तक सेफ्टी, वैसे तो सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, पर जब तक चीजें सेफ है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज जो बिजली की पूर्ति जो हो रही है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो आजकल प्रोडक्शन जो हो रहा है, उसमें पानी वानी से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बारिश तो हो ही नहीं रही, पानी कहाँ से आएगा। आज इसी पैमाने के थ्रू लार्ज अमाउंट के अंदर क्या होता है, बिजली का प्रोडक्शन होता है, किसके थ्रू, न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी के थ्रू। जैसे अपने हरियाणा के अंदर पानीपत में लगा हुआ है एनटीपीसी का पावर प्लांट, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो वहां पर लार्ज अमाउंट में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि इस प्लांट के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है वो की जाती है किसके रेस्पेक्ट में, वो सर वो की जाती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव प्रोसेस होते हैं जिसमें लार्ज अमाउंट कोलिजन होता है, तो लार्ज अमाउंट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होता है, तो उसका यूज हम डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अपनी डेली लाइफ में कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री यूज हो रहा है एक तरीके से, हम ये बोल सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर मैक्सिमम इंडस्ट्रियां जो होती हैं वहां भी केमिस्ट्री यूज हो रही है, कहने का मतलब ये बोल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें सीमेंट की इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, ठीक है, पेंट इंडस्ट्री, डाई इंडस्ट्री, जहां भी, कहने का मतलब, तो वहां पर बड़े पैमाने पर केमिस्ट्री अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, तो बहुत सी चीजें आसान हो गई। आज मकान सुंदर दिख जाता है पेंट की वजह से, कहने का मतलब पेंट क्या है, केमिकल सब्सटेंस, तो केमिस्ट्री तो रोल प्ले करती है इसके अंदर। इसके अलावा वार के अंदर, वार के अंदर भी क्या है, केमिस्ट्री अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वार का मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये आज हर कंट्री जो होता है वो आप सेफ्टी पर्पज के लिए, अपनी सेफ्टी पर्पज के लिए आजकल बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन हो रहा है न्यूक्लियर वेपन्स का। जैसे सुना होगा ना, जैसे पहले डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग के बीच में बनती नहीं है, ठीक है, जो साउथ कोरिया, कहने का मतलब, तो रीजन क्या उसमें, क्योंकि उसकी कंट्री के अंदर लार्ज अमाउंट रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का प्रोडक्शन है, खजाना है, वो बना वहीं से निकलता है, वहीं से बनाता है, तो उसके पास में बड़ी बड़ी डोमेस्टिक मिसाइलें हैं, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो उसको किसी का डर नहीं है, क्योंकि पता है न्यूक्लियर वेपन्स का कोई तोड़ नहीं होता, कहने का मतलब जहां डाल दिया समझ लो सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो चीज रुकने रुकने की नहीं होती। तो इसके अलावा TNT बनता है, माइंस होता है, कहने का मतलब जो लोग बनाते हैं, डायनामाइट होता है, ये सब इन सब के अंदर बनाने के लिए केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं हम, कहने का मतलब ये हम बात करें, तो ये सेफ्टी पर्पज के। पर नुकसान क्या है, जैसे नक्सली डायनामाइट बनाते हैं तो हमारे फौजी जवान भाई मर जाते हैं ना, शहीद हो जाते हैं ना, कहने का मतलब, तो इसका फायदे के लिए, वो उनके फायदे के लिए शायद, क्योंकि उनको उससे सेफ्टी चाहिए, किन से, जो आर्मी के लोगों से, पर कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो गलत कर रहे हैं, हमें तो नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, तो वहां उनके लिए सेफ्टी पर्पज के हिसाब से केमिस्ट्री अच्छी है, पर हमारे लिए क्या हो रही है, नुकसानदायक हो रही है, समझे मेरी बात को, तो ये बात क्या होने इसके अंदर। अब ये तो थोड़े से एडवांटेज थे, ठीक है, इंपोर्टेंस थे अपने पास में। ऐसे अगर मैं किसकी बात करूं, डिसएडवांटेज की बात करूं, तो ये थोड़ा वर्बली है, तो वर्बली थोड़ा सा आपको सुनना पड़ेगा ये, ठीक है। फिर आया बोल सर इसके डिसएडवांटेज केमिस्ट्री, बोल सर लिमिट से ज्यादा अगर हो गई तो बोल सर क्या आना शुरू हो गया, बोल सर डिसएडवांटेज आने शुरू हो गए। क्या आने शुरू हो गए, डिसएडवांटेज आने केमिस्ट्री के अंदर शुरू हो गए, ठीक है। बोल सर कैसे, वो सर सबसे पहला डिसएडवांटेज न्यूक्लियर एनर्जी वाला है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी से निकलने वाला वेस्ट, न्यूक्लियर एनर्जी से निकलने वाला, प्रोड्यूस होने वाला वेस्ट अगर ह्यूमिनिटी के लिए क्या है सर, खतरा है, समझे, क्योंकि अगर न्यूक्लियर प्लांट होते हैं उससे न्यूक्लियर डिस्पोजल जो वेस्ट है वो डिस्पोज होता है, वो नेचर में आता है, नेचर फिर कहाँ आता है, ह्यूमिनिटी के, ह्यूमंस के कांटेक्ट में आता है, मतलब लिविंग सिस्टम के कांटेक्ट में आता है, और फिर उसके ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खाने पीने की चीज़ों को लेकर के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका क्या होता है, ह्यूमंस बींग या लिविंग सिस्टम पे साइड इफेक्ट है, ठीक है, जो बहुत बड़ी एक सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर कभी भी लीकेज हो गया ना तो बहुत बड़ा खतरा है, कहने का मतलब हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे आजकल पीवीसी पाइप की बात करें, तो पीवीसी पाइप के कंपनी में काम करने वाला जो इंसान होता है उसके अगर बॉडी के कांटेक्ट में या उसकी बॉडी के इनर पार्ट के अंदर अगर लार्ज अमाउंट अगर पीवीसी के पार्टिकल जाते हैं तो उसको लीवर कैंसर की शिकायत हो सकती है, मतलब उसको लीवर कैंसर हो सकता है। अब पीवीसी तो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पीवीसी पाइप का यूज बिजली के अंदर, पानी के पाइप के अंदर, बहुत सारी हर जगह पे यूज होता है, तो बनाना जरूरी हो जाता है, इसलिए नुकसानदायक वहां उनके लिए है जो वहां पर लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें इंसेक्टिसाइड, अब मकोड़े की मारने जो, कहने का मतलब हम बात करें इंसेक्टिसाइड, अब इंसेक्टिसाइड की अगर हम बात करें तो इंसेक्टिसाइड जो होते हैं ना, बोलो सर
माना कि इंसेक्टिसाइड जो है वो मलेरिया से अपने को प्रिवेंट भी करता है, जैसे डीडीटी जो होता है, ठीक है, मलेरिया के जो मच्छर होते हैं उनको मारने का काम तो करता है, समझे मेरी बात को। पर अगर वही डीडीटी अगर ह्यूमन बींग या लिविंग सिस्टम के कॉन्टेक्ट में अगर आ जाती है, जैसे कोई जानवर, कोई पक्षी या बर्ड्स उसको खा लेता है, कोई जानवर खा लेता है, ठीक है, या खाने पीने, जैसे आप डेली लाइफ में देखते हो कि घर के अंदर अगर आपने गेहूं रखे हैं, गेहूं के अंदर अगर आपने दवाई लगा के रखा हुआ ना घर के अंदर, तो आप उस गेहूं को डायरेक्ट खा नहीं सकते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गेहूं के अंदर भी लग जाती है, इली वगैरह लग जाती है, तो दिक्कत हो जाती है, कहने का मतलब। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, ताकि नमी भी मेंटेन रहे, मॉइस्चर ना आए, फंगल ना लगे, तो आप उसमें दवाएं डाल देते हो। तो दवाई अब उसको कभी भी ऐसा नहीं कि आपने लिया, उठाया, पीछ के खा लिया, तो आप बीमार पड़ जाओगे। तो क्या करना पड़ते हैं घर के अंदर, उसको पहले वाश करना पड़ता है, फिर उसको सुखाना पड़ता है, और फिर उसकी पिसाई होती है। तो मतलब अगर उसको डायरेक्ट अगर खा रहा है जानवर, अगर आपने कबूतर को डाल दिया, पिजन को डाल दिया, तो कौन सी बात, उसके साइड इफेक्ट तो होने ही होने हैं, समझे मेरी बात को। तो ये बात करी हमने इसके अंदर। फिर नेक्स्ट है, ऐसे लार्ज पैमाने पर आजकल नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है सब्सटेंस जो है, कंपोनेंट्स जो है, मेटल जो है, वो प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीबैग हो गया, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल्स हैं, जिनका कोई डिकम्पोजन पॉसिबल नहीं है। पर आजकल तो पॉलीथीन को लेकर के थोड़ा सा रिसाइकलिंग प्रोसेस शुरू कर दिया है, तो थोड़ा सा बचाव हो गया है, और गवर्नमेंट ने भी बैन किया कि भाई कम से कम यूज करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसका हमारी बॉडी पे क्या होने वाला है, साइड इफेक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होने वाला है, क्योंकि आजकल हम पॉलीथीन बहुत यूज करते हैं सामान के पर्पज के हिसाब से। फिर अगर हम बात करें ड्रग्स की अगर बात करें, तो नेचुरल ड्रग्स तो चलो बीड़ी, गुटखा, तंबाकू जो होते हैं, चलो इनमें तो जो नेचुरल इंग्रेडिएंट है, पर जो लोग कोकीन लेते हैं, एलएसडी लेते हैं, ब्राउन पाउडर लेते हैं, ब्राउन शुगर लेते हैं, ये सारे क्या हैं, सिंथेटिक केमिकल सब्सटेंसेस, जिनका यूज बड़े पैमाने पर बच्चे नशा करने के लिए यूज करते हैं। तो कहने का मतलब इसका साइंस की वजह से दिक्कत हो गई ना, साइंस की, क्योंकि अगर ये केमिस्ट्री ना होती तो ये बनते नहीं तो लोग यूज नहीं करते, समझे मेरी बात को। तो ये बनने लग गए, तो यूज करने लगे, तो इसका बॉडी के ऊपर बड़ा, खास करके इस पर हमारे जो नर्वस सिस्टम जो होता है, दिमाग जो होता है, उस पर इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और उसके साइड इफेक्ट बड़े डेंजरस होते हैं, ठीक है। तो ये बात करी हमने इसके अंदर। तो ये कहानी थी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की केमिस्ट्री को लेकर के, ठीक है। तो चीजें थोड़ी सी पता होनी चाहिए यहां तक कि क्या एडवांटेज और क्या इसके डिसएडवांटेज है, तो चीजें थोड़ी सी आपको सुनना पड़ेगा उसके बाद। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास में आएगा वो है मैटर। मैटर क्या होता है, तो मैटर के बारे में चैप्टर होता है स्टार्ट, तो मैटर के बारे में हर एक चीज एक एक करके समझाऊंगा मैं, मैटर का क्लासिफिकेशन समझेंगे। तो मैं थोड़ा सा उसकी जनरल चीजें बता देता हूँ, फिर समझाऊंगा मैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर कि मैटर कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनता है, तो समझना थोड़ा सा। एक चार्ट बनाता हूँ मैटर के बारे में, बोसन मैटर, यहाँ केमिस्ट्री के अंदर मैटर जो होता है बताऊंगा क्या डिफाइन, मतलब नेचर में दिखने वाली हर एवरीथिंग एनीथिंग, मतलब हर चीज जो है वो मैटर है जो दिखता है, ठीक है। तो इसका अपना एक मास और एक क्या होता है, सर स्पेस होता है। तो मैटर को उसने क्लासिफाई कर दिया दो कैटेगरी में, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिजिकल को फिजिकल स्टेट के आधार पर तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ज्यादा कुछ है नहीं, क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया पहले, क्या क्या, प्योर सब्सटेंस और मिक्सर, समझे मेरी बात पे यहां तक। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई कर दिया दो कैटेगरी में, एक एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट को फर्दर क्लासिफाई कर दिया तीन कैटेगरी के अंदर, जहां क्या क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है, और क्या है, मेटलॉइड्स है। कंपाउंड को भी दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया, फर्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकंड है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। मिक्सर को भी दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया,
एक होमोजीनियस मिक्सर, दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सर। समझे मेरी बात को? एक होमो, दूसरा क्या है, हेट्रो। तो ये मैटर का क्लासिफिकेशन था कि मैटर क्या होते हैं। बोल मैटर को डिफाइन कल समझा दूंगा मैं, ठीक है? तो वैसे डिफाइन क्या होती है इसकी, वो सर एनीथिंग विच इज विच हैज मास एंड स्पेस, मतलब जिस भी सब्सटेंस का अपना एक मास एक स्पेस होता है वो मैटर कहलाता है। मतलब मैं, मेरा अपना एक मास है, मेरा एक अपना क्या है, स्पेस है, क्योंकि मैं उसी पर्टिकुलर एरिया में आ सकता हूँ, कहने का मतलब। तो मैं क्या हूँ, मैटर हूँ। तो उसको क्लासिफाई कर दिया दो कैटेगरी में, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन है, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन है। फिजिकल की तीन कैटेगरियाँ अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ नेचर के आधार पर, ये जो हमने बताई हैं। केमिकल की दो नेचर हैं, एक प्योर है, एक कैसी फॉर्म है, मिक्सर। प्योर को फर्दर क्लासिफाई कर दिया दो कैटेगरी के अंदर, एलिमेंट और कंपाउंड। फिर एलिमेंट को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया, ये जो हमने दिखाई है आपको। कंपाउंड को भी दो कैटेगरी में, ऑर्गेनिक और दूसरा क्या है, इनऑर्गेनिक। मिक्सर को भी दो कैटेगरी में, होमो और हेट्रो। हर एक चीज समझाऊंगा एक एक करके। और इसके अलावा दो चीज और है, क्या क्या, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है? इनको भी अलग से मैं समझाऊंगा। ये सब क्या है, मैटर है। तो आई होप चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी। ये शुरू करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आगे के चैप्टर जो होगा वो इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है? स्टार्टिंग थोड़ा इंट्रो था तो थोड़ा थोरटिकल पोर्शन था, पर जैसे जैसे चीजें हम इसमें आगे बढ़ेंगे हर चीज मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आपको। इसलिए ध्यान से सुने, पढ़ें, समझें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय बाय।